करोड़ गरीबों के लिए एक एक शौचालय भी बनाए और 55 लाख गरीबों को एक एक आवास भी उपलब्ध करवाए हैं। 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रखा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे फ्री में उपचार की व्यवस्था होगी। हर घर नल योजना के लिए उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर पहुंचे हुए राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट पर तिजारा विधानसभा सीट से महंत बालकनाथ को बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया है और उन्हीं के लिए प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। 5 राज्यों में जहां जहां पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर जो बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है और योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा है और इसी सिलसिले में राजस्थान में आज महंत बालकनाथ के लिए प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तिजारा विधानसभा सीट से महंत बालकनाथ को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके नामांकन में दाखिल करने में पहुंचे हुए थे और अब विधानसभा सीट पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये मंच की तस्वीरें हैं, महंत बालकनाथ भी उनके साथ में मंच पर मौजूद है। इसके अलावा तमाम जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता इस दौरान मौजूद है। तो बेहद महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजस्थान का ये दौरा, महंत बालकनाथ के प्रचार के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे हुए हैं। दोनों एक ही संप्रदाय से आते हैं। महंत बालकनाथ की बात करें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, दोनों नाथ संप्रदाय के हैं और इसीलिए दोनों में एक ही तरह की समानताएं देखी जाती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से यूपी में काम करते हैं, बुलडोजर का चर्चा में रहता है, उस ठीक उसी तरह से महंत बालकनाथ को भी राजस्थान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके, किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर किसी भी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरफ टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। गरीब जहां बसा है, जहां गरीब बसा है वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी दे दिया गया, उसका आवास भी बनाया जा रहा है। जहां संत का आश्रम है वहीं पर उस आश्रम के लिए सरकार से भी सहयोग किया जा रहा है और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है, लंपी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गोवंश को नुकसान नहीं, एक एक गो माता को सर्वे देवा कृपा दे है, सर्वदेव मही ही को सभी देवी देवताओं का निवास जिस गो माता में हमने माना, उस गो माता को बीमारी से भी बचाया और भूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। क्यों विफल हो गए? कारण है गो माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा बनाना चाहते थे और परिणाम क्या था? भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में और ठेस पहुंचाया था। उस गरीब किसान की क्या बीती होगी जिसका मूल्य गोधन लंपी डिजीज की चपेट में आकर के उसको आर्थिक नुकसान किया हो। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी, वहां तो तस्करों को बढ़ाने वाली सरकार है।
कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होगा इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है, लेकिन राजस्थान में मक्का सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक ऋणहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं। पूज्य संतों का जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए, सरकार के संरक्षण में वहां पर उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? भाइयों बहनों, आज इसीलिए आप सबसे हम कहने के लिए आए हैं, गिरजारा विधानसभा चुनाव शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है, और मुझे ये भी बताया गया है कि गिरजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है, हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है, देख रहे हैं ना इस समय गांजा में इसराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिरी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है, लेकिन जब गुंडागिरी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आता है। आज भारत एक नए भारत के रूप में है, एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में टीम के रूप में आज आप देख सकते हैं कितना विकास भारत ने किया। 1947 से 2014 तक केवल देश के अंदर 6 एम्स बने थे, आज इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। मोदी जी ने मात्र 9.5 वर्ष में 22 एम्स बना दिए। आईआईटी, आईआईएम, हाईवे, रेलवे 1947 से लेकर के 2014 तक याद करिए कुल 74 एयरपोर्ट बने थे, मोदी जी ने 74 नए एयरपोर्ट बना दिए मात्र 9 वर्ष में। कांग्रेस जो काम 70 वर्ष में नहीं कर पाई थी, मोदी जी ने वह काम 9 वर्ष में करके दिखा दिया। योजनाओं का लाभ जिस तरीके से मिल रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र सरकार कार्य कर रही है और जहां जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये डबल इंजन की सरकारें जिस प्रभावी तरीके से कार्य कर रही हैं, उस प्रभावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्थान का हर नौजवान, हर माताएं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त राजस्थान के अलवर में लोगों को संबोधित कर रही हैं, विपक्ष पर निशाना भी साध रही हैं। बांत बालकनाथ के लिए प्रचार करने के लिए योगी आदित्यनाथ इस वक्त राजस्थान में जनता को संबोधित कर रही हैं। 25 नवंबर को यहां पर पहले चरण में मतदान होगा, उससे पहले बीजेपी लगातार प्रचार करती हुई नजर आ रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। राजस्थान के अलवर में महंत बालकनाथ के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तिजारा विधानसभा सीट से महंत बालकनाथ को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है और इस साल प्रचार को की लिस्ट में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है। लगातार वो धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष पर भी उन्होंने इस दौरान निशाना साधा है।